बॉस से जुड़ी हुई बड़ी खबर लेकर आपके सामने पेश हुई हूँ। बिग बॉस ने घर वालों को ये कह दिया है कि आप में से किसने गेम में अच्छा प्रदर्शन किया है। आप लोग आपसी सहमसी से उस व्यक्ति का नाम लीजिए और आगे चलकर उसका और तेजे का बीच में एक मुकाबला कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर किसी घर वाले की आपसी सहमति नहीं बनती है। तभी निशांत कहते हैं कि यार ऐसे तो टास्क रद्द हो जाएगा, बिग बॉस की इतनी मेहनत वो खराब हो जाएगी, तो हम किसी न किसी का नाम ले देते हैं। और निशांत कहेंगे कि मैं प्रतीक का नाम लेता हूँ। तब रश्मि देसाई इस बात से भड़क जाएगी और कहेगी कि मैं प्रतीक का नाम नहीं लूँगी, उससे मेरी कुछ पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं प्रतीक को नहीं देखना चाहती, तो मैं उसका नाम नहीं लूँगी। लेकिन निशांत बार बार भी उनको फोर्स कर रहे होंगे और उनको मनाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन रश्मि देसाई अपनी बात पर अटल रहेगी और वो कहेगी कि मैं कभी भी प्रतीक को जे वैल्यू नहीं देती और प्रतीक मेरा कुछ नहीं लगता है, ना ही कोई मेरा फ्रेंड है और ना ही हमारी कोई कभी भी बात हुई है। वो हमेशा ही, अगर मैं बात करना भी चाहूँ तो वो हमेशा ही मुझे इग्नोर कर देता है। और जब से मैं आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ, मैं प्रतीक के साथ कभी भी ऐसा गेम नहीं खेलूँगी। और तभी शमिता शेट्टी उनको आकर समझाने की कोशिश करते हैं और सभी लोगों से कहते हैं कि वरना टास्क रद्द हो जाएगा और तुम्हारा नाम पड़ेगा और सभी घर वाले प्रतीक का नाम ले देंगे। तब रश्मि बहुत गुस्से से उनके साथ सहमति तो दिखा देगी, लेकिन इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी और वो गुस्से में बाथरूम एरिया में चली जाएगी और बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाती हुई नज़र आएगी और उनके वो बहुत ज़्यादा भड़क भी रही होगी। आई होप रश्मि का गुस्सा तो आप जानते ही है कि प्रतीक ऊपर इस वास्ते है, आपको तो पता ही है उमर एंड प्रतीक की मिसअंडरस्टैंडिंग कारण रश्मि भी प्रतीक को अच्छा नहीं समझती है, इस करके रश्मि प्रतीक को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। आई होप आपको उनका जी पॉइंट व्यू अच्छा भी लग रहा होगा और कहीं ना कहीं आपको घर के और सदस्य भी अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर दीजिए। धन्यवाद।